News 18, India. बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार पर हमले मामले में लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने राज्य के डीजीपी राजीव कुमार, बशीरहाट जिले के एसपी डॉक्टर हुसैन मेहदी रहमान और एडिशनल एसपी पार्थो घोष को पेश होने का आदेश अब जारी किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार, उनके ऊपर हमला हुआ था, सुकांत जख्मी हो गए थे। अब इस पूरे मामले में लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने कई लोगों को पेश होने का आदेश जारी किया है। आएगा कि इस मीटिंग में जो है अगला क्या रणनीति तय होगी। टीम इंडिया के लिए चमन पलानिया, चंडीगढ़। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का चौथा दिन है। आइए सीधे रुख करते हैं शंभू बॉर्डर का, जहां मेरे सहयोगी मानव इस वक्त मौजूद है। मानव, कल जो बैठक हुई है, अभी हमने मंत्री अर्जुन मुंडा को सुना, उन्होंने कहा कि सकारात्मक माहौल में ये बैठक हुई, लेकिन एमएसपी का मुद्दा अभी भी बना हुआ। अब रविवार को अगली बैठक होनी है, लेकिन आज चौथा दिन है आंदोलन का। क्या कह रहे हैं किसान? पंकज, देखिए, अभी तीन दिन हमने देखा कि शुरुआत के दो दिन में थोड़ी हिंसा हुई, दोनों तरफ से हिंसा हुई, लेकिन कल तीसरा दिन पूरी तरीके से शांत रहा। रात को 12 बजे के आसपास छुटपुट कुछ यहां पर जरूर देखने को मिला, लेकिन जब बैठक चल रही थी तब यहां पर हल्की सी हिंसा देखने को जरूर मिली थी। लेकिन अगर बैठक की बात करें तो देखिए, तीसरे दौर की बैठक थी, 5 घंटे चली और बैठक में 17 किसान नेता शामिल हुए, 3 केंद्रीय मंत्री थे और 2 पंजाब सरकार के नुमाइंदे, पंजाब सरकार के मुखिया भगवंत मान और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा वहां पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि पंजाब सरकार भी इसमें एक पार्टी है और इसलिए वो लोग वहां पर पहुंची हुई थी। जैसे ही बैठक शुरू हुई तो सबसे पहले किसान नेताओं ने जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है उसको लेकर आपत्ति जताई, तो उस पर आपके कृषि मंत्री उनको समझाते हुए दिखाई दिए, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। लेकिन पूरी बैठक में सबसे ज्यादा जो पेच फंसा रहा वो एमएसपी को लेकर था, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर था और लखीमपुर जैसे मामले पर भी सरकार मानती हुई दिखाई दे रही है। किसान नेताओं से सहमत दिखे तीनों मंत्री, लेकिन एमएसपी को लेकर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी हमें इसमें समय चाहिए, थोड़ा टाइम बाय करना चाहती है सरकार, लेकिन सरकार एमएसपी गारंटी कानून पर पीछे नहीं हट रही है और कोई भी नकारात्मक बात सरकार की तरफ से किसानों के लिहाज से नकारात्मक बात। मानव, जरा दो सवाल है मेरे। एक सवाल तो ये कि चूंकि सकारात्मक माहौल में ये बातचीत हुई है तो शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन किया जाएगा, क्या ये वादा भी किसानों की तरफ से किया गया है? दूसरा, आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया है, उसमें किसान मोर्चा और साथ ही साथ मजदूर संघ भी शामिल है और टोल फी भी किया जाएगा हरियाणा में जितने टोल्स हैं उनको, उस बारे में क्या? देखिए, पहले सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं, जो बैठक हुई उसमें तीनों ही पक्षों की तरफ से कहा गया, किसानों की तरफ से भी ये कहा गया कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे लेकिन हमें दिल्ली जाने दिया जाए अगर कोई समाधान नहीं निकल रहा है तो। दूसरी तरफ भगवंत मान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मीटिंग के बाद, तो उन्होंने भी ये शब्द कहे कि हम भी चाहते हैं कि हर तरफ शांति रहे, शांतिपूर्वक तरीके से किसान अपनी मांगों को रखें